दोस्तों, अगर आपके नसों में ब्लॉकेज आ रही है, नसें कमजोर हो रही हैं, साइटिका का पेन हो गया है, हाथ पैर में झंझनाहट होती है, बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल बढ़ गया है, वेरिकोज वेन की समस्या है, किडनी में इन्फेक्शन हो गया है, मोटापा बढ़ता ही जा रहा है, सांस लेने में दिक्कत होती है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में सांस फूलने लगती हैं, जोरों में दर्द होता है, घुटने से कटकट की आवाज़ आती है, तो आज मैं सबसे पहले बहुत ही आसान एक घरेलू उपाय बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही असरदार है। अगर आप पेन किलर खाकर परेशान हो गए हैं और पेन किलर्स के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट से जूझ रहे हैं, तो आप आज की होम रेमेडी अपना लीजिए। केवल 10 दिनों में आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हमें लेना है लहसुन। लहसुन बहुत ही आसानी से हमारे घर में मिल जाता है और इससे अल्सर की समस्या दूर होती है। पेट से जुड़ी जो भी समस्या है, लहसुन दूर कर देता है। पहले तरीका जान लेते हैं, हमें इसे खाना कैसे है। कई बार क्या होता है कि हमें तरीका ठीक से मालूम नहीं होता है लहसुन को कैसे प्रयोग करना है, इस वजह से लहसुन ठीक ढंग से काम नहीं करती है। लहसुन नसों के ब्लॉकेज को दूर करता है, जिससे खून का प्रवाह बहुत अच्छे से नसों में होने लगता है। इससे हमारे नसों में दर्द नहीं होता, नसों की कमजोरियां दूर होती हैं और हार्ट हेल्थ भी अच्छा रहता है, दिल की बीमारियां नहीं लगती हैं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है, इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, घुटने के दर्द में भी आराम मिलता है, फैटी लीवर की परेशानी दूर होती है, हार्ट को हेल्दी रखता है लहसुन और खून की सफाई करता है, डायबिटीज में भी रामबाण का काम करता है लहसुन। लहसुन को हम एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के लिए जानते हैं। इसका मतलब है कि लहसुन हमारे शरीर में सूजन अवरोधी का काम करता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से शरीर में बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि गठिये का दर्द, जोरों का दर्द, गाउट का हो जाना, ये सारी परेशानियों को दूर करता है। अगर हम सही तरीके से लहसुन खाएंगे तो ये हमारे शरीर में एंटी एजिंग का भी काम करता है। ये हमें जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता है, जिससे हमारे शरीर में ताकत बनी रहती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लहसुन को हम किस तरीके से खाएं। दोस्तों, लहसुन हम ज़्यादातर सब्जी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अब आप बोलेंगे लहसुन तो हम रोज ही खाते हैं, लेकिन हम इसमें सब्जी बनाने के दौरान इसे तेल में भून देते हैं, जिससे लहसुन में पाए जाने वाले तत्व नष्ट हो जाते हैं और उससे हमारे शरीर को फायदा नहीं मिल पाता है। इसीलिए लहसुन खाने का तरीका हमें मालूम होना चाहिए, जिस तरह से हमें ये काम करे। दोस्तों, लहसुन को अचार के रूप में हम प्रयोग कर लेते हैं, जिसमें बहुत सारे रिफाइंड तेल मिले होते हैं, तो इसके फायदे के बदले हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। लहसुन फैटी लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। अल्सर, ज्वाइंट पेन, साइटिका का दर्द और नसों की कमजोरी को ये दूर करता है। इसे बनाने के लिए 2 लहसुन ले पूरा और लहसुन को छील लीजिए अच्छी तरह से। छीनने के बाद इसे हल्का कूट लेना है। एक कांच का जार ले लें और उसमें जार में आपको पानी डालना है 1/2 कप और इसमें लहसुन को डाल दें, कुचे हुए लहसुन को। इसे कम से कम 1 हफ्ते के लिए हमें रखना है। दोस्तों, 1 हफ्ते के लिए हम इसे बना भी रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे जैतून का नमक। जैतून का नमक का स्वाद फीका होता है, लेकिन इसके बहुत सारे फायदे हैं। जोरों के दर्द के लिए रामबाण औषधि है, घुटनों के दर्द के लिए रामबाण औषधि है, कैसा भी थकान हो, नसों की समस्या हो, सारे कुछ को ये दूर कर देता है। दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, ढक्कन को बंद करके और इसे फ्रिज में हम रख देंगे। अगर ठंडे का मौसम है तो आप इसे बाहर ही रखें नॉर्मल टेम्परेचर पे, लेकिन अगर गर्मी का मौसम है तो आप इसे रेफ्रिजरेटर में रख दें, फ्रीजर में नहीं रखना है।
दोस्तों आपको इसे 7 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। कुछ बातें हम जान लेते हैं जो हमें बरतनी हैं, जैसे कि पालक मेथी का जूस हमें पीना है, ये हमारे लिए फायदा करेगा। पालक ले ले, उसमें मेथी डाल दे आधा चम्मच और उसका जूस बना ले। मेथी को फुरात पर फुला के इस्तेमाल करें। मैदा का सेवन नहीं करें। दोस्तों रिफाइंड तेल बिल्कुल ही छोड़ दें। सफ़ेद वाला नमक के जगह पे सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। सफ़ेद वाले चीनी के जगह पे गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल करें। दूध से बनी हुई चीज़ नहीं लेना है इसके दौरान। और पानी जितने ज़्यादा पी सकते हैं उतना ज़्यादा फायदा है। पानी को हमेशा बैठकर ही पीना है, खड़े होकर गटगट करके नहीं पीना है। खाना खाने के बीच में पानी नहीं पीनी चाहिए। और पानी अगर हो सके तो गर्म ही इस्तेमाल करें, हल्का गुनगुना। अब हम इसे 7 दिन के बाद निकालेंगे। चलिए जानते हैं कैसे इस्तेमाल करेंगे। एक गिलास ले लेंगे, उसमें हम गुनगुना पानी ले लेंगे और इसमें से 1 चम्मच पानी और 1 कुटा हुआ लहसुन निकालकर मिला देंगे। अब इसे हम सुबह सुबह खाली पेट पी लेंगे दोस्तों। लहसुन को चबा चबा कर खा लेंगे। ऐसा लगातार हमें 7 दिनों तक करना है। ऐसा प्रयोग करने से आपका जो खून है वो बिल्कुल साफ होने लगेगा, नसों की ब्लॉकेज दूर होने लगेगी, शरीर में जो यूरिक एसिड जमा हो गया है या वात की परेशानी है सारे कुछ धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगे। दोस्तों एक और तरीका मैं बता देती हूँ। इसमें आपको लहसुन को शहद में डालना है। लहसुन को कूच के शहद में डाल दें और इसे 4 दिनों के लिए ऐसे ही रख दें। उसके बाद आप इसे निकाल कर सुबह सुबह खा सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक होम रेमेडी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको ठीक लगता है। इससे आपके शरीर की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बैड कोलेस्ट्रॉल दूर होगा, साइटिका की परेशानी दूर होगी, डायबिटीज की परेशानी दूर होगी और हार्ट हेल्थ हमेशा स्वस्थ रहेगा। वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। शुक्रिया।